दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला लव राशि फल सितंबर 2022। तुला राशि वालों, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों सितंबर का लव राशि फल जाने उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों सितंबर के महीने में दो ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे, एक सूर्य का, दूसरा शुक्र का। 17 सितंबर को कन्या में सूर्य जाएंगे, वहां कन्या में सूर्य नीचा विलासी हो जाते हैं, और 24 सितंबर को कन्या में शुक्र जाएंगे, वो नीच के हो जाते हैं। ये दोनों ही ग्रह अपने आप में रिश्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बावजूद अगर ये ग्रह इतनी बुरी स्थिति में जा रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं गोचर में, तो आपकी लाइफ में स्वभावतः परिवर्तन आएगा ही आएगा। क्या परिवर्तन आएगा, कितना परिवर्तन आएगा, क्या बहुत बुरा हो जाएगा या कुछ अच्छा भी रहेगा, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, प्रत्येक पहलू पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि अगर आप सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी, आपके रिलेशनशिप में कोई आएगा आपके रिश्ते में, या आप किसी के साथ में एंगेज हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लव लाइफ तो कैसी रहेगी आपकी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, पार्टनर के साथ में बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की क्या स्थिति रहेगी, सभी के बारे में हम बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपको तीन राशियों के नाम। अगर उन तीन राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीना काफी अच्छा रहेगा, काफी लकी रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं उनकी। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए, और वो भी बिल्कुल सिंगल है, तो जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं उनका तो बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि ओवर थिंकिंग, चिड़चिड़ापन, मन परेशान, बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में दुखी, आप अकेलेपन से परेशान, अपनी दिल की कोई बात शेयर नहीं कर सकते, कोई दोस्त भी नहीं बन रहा है जिसे अपने विश्वास के काबिल समझें, तो किसी पर भरोसा नहीं होगा। अगर किसी के साथ में एक तरफा प्यार करते हैं या कोई आपको एक तरफा प्यार करता है तो उस केस में देखा जाए तो आपके लिए एक बहुत बड़ी बात यहां पर यह है कि सीधा सिंपल, अगर आप सीरियस हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए महीना। अगर आप किसी के साथ में भी वन साइड लव करते हैं या कोई आपको करता है तो वो सीधा सीधा एक ही सिद्धांत होगा दोनों तरफ से। अगर आप पर करते हैं एक साथ एक तरफा प्यार तो उधर से जवाब यही आएगा कि शादी करोगे या नहीं, या टाइम पास करना, और शादी करने को बोल दिया तो शादी फिर जल्दी से जल्दी करनी होगी, तभी आपको अपनाएंगे, और बहुत सारी ऐसी शर्तें भी रख देंगे वो। रिश्ते में शर्तों की शुरुआत हो जाएगी, मतलब अगर किसी के साथ में एक तरफा प्यार करते हैं तो वो आपको अपना तो लेगा, आपको प्रपोज भी कर देगा, आपको आपके प्यार को अपना भी लेगा, लेकिन वो शर्तों के साथ में, और वो शर्तें ऐसी वैसी शर्तें नहीं होंगी, बहुत ही क्लियर कट बात होगी, और उसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है कुछ चीज़ों को कुछ सोच करके आपको झटका भी लगे, ये क्या बोल रहा है या क्या बोल रही है, लेकिन वो आप दोनों के लिए ही बहुत ही बेस्ट शर्तें होंगी, बहुत ही बेस्ट बातें होंगी। अगर आप उन लोगों में से हैं कि शर्तों के साथ में प्यार थोड़ी किया जाता है तो आपके लिए ये महीना बहुत ज्यादा दुख तकलीफ देने वाला होगा। लव लाइफ में देखा जाए तो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत इमोशनल है, लेकिन उससे भी ज्यादा आप उनके लिए इमोशनल हैं। आप इमोशनल के साथ साथ अभी वर्तमान में, वैसे पहले ऐसा कभी आपको भले ही ना होता हो, लेकिन इस महीने ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, पार्टनर पर शक बहुत करेंगे, उन पर बहुत जल्दी सवाल जवाब करना, अभद्रता कर देना, या उनके बारे में कुछ भी सुन करके कुछ गलत फहमी भी बन जाएगी तो उसमें एकदम भड़क जाना, तो कहीं ना कहीं
ये स्थिति दिख रही है कि आपका जो भड़कना है वो पार्टनर को परेशान तो करेगा इस महीने, और धीरे धीरे आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो ओवर थिंकिंग है आपके रिश्ते में बहुत सारी गांठ लगा देगा। इसलिए इस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना ही होगा आपको। और दूसरी बात, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, यहां लव लाइफ में भी एक बहुत बड़ी बात यह है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन एक और व्यक्ति है जिसे आप पीछे छोड़ आए हैं, उसकी बातें आप इस महीने सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बार बार याद करेंगे और आपके मुंह पर उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा, और वो थर्ड पार्टी एंगल कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो विश्वास है रिश्ते में वो कमजोर कर देगा। सबसे बड़ी बात, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो बात जरूर हो जाएगी आपके पार्टनर से आपकी, पर बातचीत में वो एकदम जो लगाव था पहले रिश्ते में वो नहीं होगा। मतलब बातचीत करना, आपके पार्टनर आपसे अगर बातचीत कर रहे हैं तो ये समझ लो या तो उनकी मजबूरी है या वो आपको बस आपके ऊपर दया कर रहे हैं या एहसान कर रहे हैं, इसी तरीके से समझ लीजिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको ये चीज जरूर महसूस होती रहेगी, और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे भले ही बात कर ले नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आके, लेकिन वो थर्ड पार्टी से बात करना नहीं छोड़ेंगे, वो तीसरे व्यक्ति से इंगेज रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, वहां उनकी दाल नहीं गल रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा वो आपके तरफ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये समझा जाएगा। आपकी मैरिड लाइफ में पूरा महीना खराब है, लेकिन मैरिड लाइफ में खराब स्थितियां कह सकते हैं कि 17 सितंबर के बाद में, और ज्यादा अगर बहुत ही डीपली जाए तो 24 सितंबर के बाद में बहुत ही बुरी होने वाली है, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी की स्थिति तो बराबर बनी हुई है ही, उसके साथ साथ ऊपर से ये भी हो जाएगा कि आपसे पार्टनर को घृणा टाइप की हो जाएगी कि अब आप में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, रुचि नहीं रही, आपसे बात करने में अच्छा नहीं लगता, आपके साथ में फिजिकल होने में अच्छा नहीं लगता है, कोई एक अट्रैक्शन जो था वो खत्म हो गया, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिन लोगों का है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशनशिप में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि पार्टनर की बहुत ज्यादा ऐसी हीन नजरें होंगी आपके प्रति, जो आपका बार बार अपमान करेंगी, और आप अपमान महसूस करेंगे और उसे बर्दाश्त करेंगे, एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जो 24 सितंबर के बाद में होगा आप दोनों के बीच में वो बड़ा ही भयानक होगा। रिश्ता खत्म होगा वो तो अलग बात है, झगड़े बहुत बुरे हो जाएंगे, इतने बुरे जिससे आप दोनों के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल जाए, जो आपके लिए कल्पना करना, उस चीज को सोचना ही बड़ा बुरा लगता है, सोच करके ही वो चीजें हो जाएं। इसलिए आपको सावधानी ये रखनी है कि आप दोनों को ओवर रिएक्ट नहीं करना, इस चीज से बचना है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे ज्यादा सावधानी इस महीने के लास्ट में रखना है आपको, वैसे महीने की शुरुआत में फिर भी स्थितियां ठीक रहेंगी। अब बात करते हैं तीन राशियों की। पहली राशि वृषभ राशि, दूसरी राशि वृश्चिक राशि, तीसरी राशि मकर राशि है। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए महीना काफी एवरेज रहेगा, ठीक रहेगा। दोस्तों यह था आपका लव राशि फल। अगर आपको यह लव राशि फल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।